भारत और झारखंड के निर्माण का और ये संदेश माननीय राज्यपाल महोदय की उपस्थिति से ऐसी सुंदरता वालों ईश्वर ने झारखंड को स्वयं अपने विगत वर्ष हमारे लिए चुनौतियों से भरा रहा। कोरोना महामारी की विभीषिका ने भारत सहित संपूर्ण विश्व प्रभावित किया और स्वाभाविक रूप से हमारा राज्य भी इस घातक वायरस के प्रकोप से अछूत नहीं रहा। झारखंड राज्य ने समक्ष इस महामारी ने कोई प्रकार की चुनौतियों प्रस्तुत की, परंतु झारखंड वासियों के धैर्य एवं अनुशासन तथा कोरोना वायरस के विरुद्ध संघर्षों के अग्रणी भूमिका निभाने वाले हमारे डॉक्टर, चिकित्सा कर्मी, पुलिस कर्मी, स्वच्छता कर्मी के सहयोग से राज्य सरकार इस महामारी के कुप्रभाव को काफी हद तक कम करने के सफल रही। हमारे लिए उम्मीद लेकर आया चोला 2001 COVID-19 टीकाकरण का शुभारंभ राज्यों के 48 केंद्रों पर किया गया। COVID-19 के बचाव एवं नियंत्रण में राज्य भर से जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड टीकाकरण कक्ष की स्थापना की गई। राज्य में समुचित तरीके से टीकाकरण हेतु जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में COVID-19 टीकाकरण टीम का गठन किया गया। टीकाकरण हेतु तीन कक्ष बनाया गया जो क्रमशः पंजीकरण प्रमाण टीकाकरण कक्ष एवं निगरानी कक्ष होंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप सबके सहयोग से हम जल्दी इस महामारी को पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेंगे। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विगत 29 दिसंबर को हमारी सरकार के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर राज्यों के विकास के गति देने के लिए हमारी सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई। किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2020 के मानव फसल ऋण बकाया खातों में 50,000 रुपयों की बकाया राशि माफ की जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन DBT के माध्यम से किया जाएगा। झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना की सन्निहित राशि 2,000 करोड़ रुपया होगी, जिससे राज्य के 9,00,000 किसान लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने झारखंड राज्य फसल राहत योजना के नाम के एक नई योजना का शुरुआत की है। इस योजना के तहत मुख्य रूप से किसी भी प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल क्षति की स्थिति में कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव और जामा की विधायक
सीता सोरेन की ओर से गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जामा विधानसभा सहित समस्त झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर युवा राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से झारखंड बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। आइए अपने संविधान पर आस्था एवं विश्वास रखते हुए अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। जय हिंद। 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड बिहार एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी सिल्ली वासियों, सोनाहातू, भोला, रामगढ़ और जो आसपास के जितने क्षेत्र हैं और समस्त भारत को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि लोग हर्षपूर्वक गणतंत्र दिवस को मनाएं। और मैं खास करके युवाओं में जोश भरना चाहता हूं कि वो जो भी अपने क्षेत्र में काम कर रहे हों वो बढ़िया से करें और देश को आगे बढ़ाएं। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिल्ली वासियों, झारखंड वासियों और समस्त देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। सभी देशवासियों को जो है मैं रविंद्र बड़ाई गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों, सिल्ली वासियों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना देता हूं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार, झारखंड एवं देश के तमाम नागरिकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना। आइए मिलकर संविधान को मजबूत करने के लिए, संविधान में गहरी आस्था व्यक्त करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करें। जय हिंद। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।